हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आज का डेट में कतर से आने वाले कुछ सारे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसे ही कतर के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ यहाँ पे पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी मतलब असगल एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि गराफत अल रान इंटरचेंज 10 यहाँ पे खलीफा एवेन्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का काम यहाँ पे चल रहा है। तो इस वजह से इस रोड को फिलहाल 16th of September दोपहर 12 बजे से 17th of September दोपहर 12 बजे तक यहाँ पे क्लोज रखा जाएगा। तो अगर आप लोग इस टाइम में इस रोड से कहीं पे जाने के लिए सोच रहे तो इस टाइम को थोड़ा सा ध्यान रखिए। 24 आवर्स इस रोड को टेम्पोरली यहाँ पे क्लोज रखा जाएगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज एक छोटा सा गुड न्यूज है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर में एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम ह्यूमिड वेदर के लिए यहाँ पे फूड प्रोडक्शन करना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। मगर यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2017 के बाद कतर को सारे के सारे गल्फ कंट्री, सी बॉर्डर, एयर बॉर्डर एंड लैंड बॉर्डर सारे के सारे जगह से यहाँ पे डिटच कर दिए थे। उसी के बाद से कतर ने अपने ही कंट्री में एग्रीकल्चर, फिश, वेजिटेबल, डेयरी फार्म ये सब का प्रोडक्शन का यहाँ पे बढ़ाना चालू किया। और रिसेंटली यहाँ पे UAE में एक रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया गया, जिस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे बताया गया कि 2014 से 2019 तक टोटल गल्फ में जितने सारे फूड प्रोडक्शन यहाँ पे किया गया इनमें से सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन यहाँ पे कतर में ही यहाँ पे किया गया है, और जिसका कुल अमाउंट है 376,896 टन। अभी का बात करें तो अभी का तो उसका मेन फूड कैटेगरी प्रोडक्शन में यहाँ पे जैसे मीट, डेयरी फार्म, फिश, वेजिटेबल ये सब कैटेगरी में और भी 15% यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज अपडेट यहाँ पे MOPH कतर की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे MOPH वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर सोहा अल्बर्ट उन्होंने कहा है कि आज 15 सितंबर मतलब आज से कतर में थर्ड डोज ऑफ वैक्सीन मतलब कोविड का बूस्टर डोज यहाँ पे लगाना ऑलरेडी चालू हो गया है। और जहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि कतर में रहने वाले सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे वर्कर को यहाँ पे थर्ड डोज ऑफ वैक्सीन मतलब कोविड का बूस्टर डोज यहाँ पे लगाया जाएगा। जहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप में मतलब जिन लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा उनमें से जिन लोगों का एज 65 ईयर्स या तो फिर 65 ईयर्स का ऊपर का एज है, जो लोग किसी भी टाइप का क्रॉनिक डिजीज में यहाँ पे सफर कर रहे हैं, और जितने सारे लोग यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में यहाँ पे काम करते हैं उन सारे लोग अभी फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप पे पड़ते हैं। तो फर्स्ट सीरीज में पहले इन लोगों को यहाँ पे बूस्टर डोज लगाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। और आज को फर्स्ट कतरी नेशनल जिन्होंने पहला कोविड का बूस्टर डोज यहाँ पे रिसीव किया उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल कुबैसी, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ कतर यूनिवर्सिटी। ओके, और इसी के साथ साथ डॉक्टर सोहा अल्बैत ने यह भी कहा है कि अगर आप लोग चाहे तो कोविड का बूस्टर डोज लेने का साथ ही साथ आप लोग उसी दिन ही चाहे तो फ्लू वैक्सीन का भी आप लोग यहाँ पे डोज लेके जा सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप लोग का बॉडी में इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप लोग चाहे तो दोनों डोज एक ही दिन में भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे एक न्यू रूल का यहाँ पे इन्वेंशन किया गया है, जहाँ पे बताया गया कि कतर में जितने सारे कॉमर्शियल फैसिलिटीज है, रिटेल आउटलेट्स है या तो फिर लाइसेंस, सोशल मीडिया है, होम बिजनेस है, मतलब जितने सारे सेक्टर से यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान यहाँ पे बेचा जा रहा है, अभी से उन सारे गुड्स का मतलब उन सारे प्रोडक्ट का जितना प्राइस है वो प्राइस को उस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे अरबी भाषा में लिखा होना यहाँ पे जरूरी है। इंग्लिश में चाहे हो कि ना हो मगर अरबी भाषा में यहाँ पे लिखा होना मैंडेटरी होगा, और अगर इसका प्राइस अरबी भाषा में यहाँ पे लिखा ना हो तो उन रिटेलर के ऊपर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, और जिसमें मिनिमम 2 साल का जेल या तो फिर 3,000 से 1,00,000 कतरी रियाल तक यहाँ पे फाइन भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे ADLS मतलब लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर में गर्मी के वजह से 1 जुलाई से यहाँ पे सुबह का 10:30 AM से यहाँ पे दोपहर का 3:30 PM तक यहाँ पे आउटडोर सारे के सारे काम यहाँ पे बंद थे। जो रूल वायलेट करने के लिए यहाँ पे ADLS की तरफ से बहुत सारे वर्क साइट को भी यहाँ पे बंद कर दिया गया, मगर ये जो रूल था ये 15 सितंबर तक ही था, मतलब आज तक ही था, मतलब आज के बाद से मतलब कल से ये रूल अभी यहाँ पे बंद हो रहा है। मतलब सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक यहाँ पे जितने सारे काम आज तक बंद था ये कल से फिर से चालू होने वाला है, क्योंकि कतर का वेदर अभी धीरे धीरे पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो रहा है। ओके, तो यही सारे इन्फॉर्मेशन आज को कतर की तरफ से आ रहा था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ऐसे ही कतर के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।